वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी लेबल को किसी भी बोतल पर इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये एक बोतल का इमेज है, इसके ऊपर मुझे एक लेबल को प्लेस करना है। ये देखिए दूसरे डॉक्यूमेंट में मेरे पास ये एक लेबल का इमेज है, इसको हम बोतल पर प्लेस करेंगे। इसके लिए मैं मूव टूल को सिलेक्ट रखते हुए यूँ ड्रैग करेंगे और इस डॉक्यूमेंट में ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद मुझे इसको बोतल के ऊपर एडजस्ट करना है, इसको इसकी बोतल के हिसाब से शेप देंगे। जैसे कि मैं जूम इन करता हूँ और यहाँ से ये देखिए इस तरह से एजेस मिलाएंगे। कंट्रोल टी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसको मुझे रीसाइज करना है। ऑलमोस्ट इतना करेंगे। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप इसी लेबल पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे वॉप। वॉप सेलेक्ट करने के बाद टॉप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वॉप के इस ड्रॉपडाउन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ बनी बनाई शेप्स भी मिलेंगी। ये देखिए अगर मैं आर्क लोअर पर क्लिक करता हूँ तो खुद से उसने एक शेप दी है। इसको हम यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप जिस तरह भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कस्टम ही यूज़ करूँगा, मुझे कस्टम शेप देनी है इसको। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ करूँगा और मुझे थोड़ा सा यहाँ से भी एडजस्ट करना है इस तरह से। यूँ बॉटल के ऊपर लगाने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जिससे थोड़ा सा और इसको बेहतर करेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए फिर से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको मैं थोड़ा सा राइट करूँगा इस तरह से, और यहाँ से भी थोड़ी बेहतर करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप देख लीजिएगा जहाँ से भी आपने एडजस्ट करना है। ठीक से एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसी बैकग्राउंड वाली यानी जो बोतल वाली ले रहे हैं इसकी कॉपी बनाइए। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। इस कॉपी को हमें डीसेचुरेट करना है, इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे इमेज में एडजस्टमेंट्स और यहाँ से यूज़ करेंगे डीसेचुरेट। इसके बाद इसको आप यूँ ड्रैग करते हुए टॉप पर ले आइएगा। टॉप पर लाने के बाद हमें इसको क्लिपिंग मास्क करना है इस लेबल में। इसके लिए आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। ये देखिए ये क्लिपिंग मास्क हो चुका है इसके अंदर। क्लिपिंग मास्क करने के बाद अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे लीनियर लाइट। ये देखिए हमारा लेबल अच्छे से बोतल पे प्लेस हो चुका है। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। हम इसको और बेहतर करेंगे यानी इसको और मर्ज करेंगे बोतल के अंदर। इसके लिए आप इस लेबल वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए और इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करते हुए यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद ब्लेंड इफ के नीचे आप देख सकते हैं आपको दो स्लाइडर्स दिख रहे होंगे। अंडरलाइन लेयर स्लाइडर्स की मदद से हम इसको और मर्ज करेंगे। ये देखिए इस वाले स्लाइडर को मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके आऊँगा। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। और यहाँ लाने के बाद ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करेंगे और ब्रेक करेंगे। और ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके आता हूँ। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी रखना चाहते हैं रख लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर रखते हैं। इसी तरह यहाँ से इसको भी ब्रेक करेंगे और यहाँ रखने के बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। ये देखिए हमारा लेबल अब परफेक्टली इसमें मर्ज हो चुका है। इसकी विजिबिलिटी अगर आप थोड़ी और बढ़ाना चाहते हैं तो आप टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए और इसकी ओपेसिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी ओपेसिटी मैं 70% कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। आई थिंक इसकी मैं 80% करूँगा और यहाँ से आप एंटर कर दीजिएगा। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी लेबल को इस तरह की बोतल में मर्ज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।